तो भाइयों मैं दिखाता हूँ आपको कि क्रेटा लगती कैसे है, और आप ये देख सकते हो कि साइड से कुछ खास बदला नहीं है, अभी भी आप दूर से पहचान जाओगे कि ये क्रेटा ही है। पीछे से ठीक है, मोर सोफिस्टिकेटेड, आगे इन्होंने DRL कर दिए, बाकी साइड से ऐसा कोई अंतर नहीं है, और गाड़ी तो ठीक ठाक इन्होंने फेसलिफ्ट कर दी है। चलो इंजन प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है इसमें, वो भी 10-15 हज़ार रुपए बस, उससे ज्यादा नहीं। इसकी एनकैप रेटिंग आ गई कि नहीं अभी तक? नहीं सर, ये सॉफ्ट है इसका। स्टार्ट पुश का है इसका, साइड में। अच्छा ये पार्किंग लगी है ना? हाँ, ये दोनों टाइप सी है। वैसे कुछ बताइए कितना है इसका, क्या है सिस्टम, माइलेज वाइलेज क्या है पेट्रोल का? माइलेज सर पेट्रोल का वैसे तो 18 क्लेम कर दिया कंपनी, लेकिन ऑन सिटी ये 13-14 दे देती है। 13-14 हाईवे पे? हाईवे पे आपको 18 दे देगी। ओके, ऑटो होल्ड पार्किंग। और डीजल में कितना एवरेज क्लेम? सर डीजल में ज्यादा ही है इसका। डीजल में क्या है कंपनी वैसे 25 तक क्लेम कर दी। 25 ऑटो डिमिंग वो भी है, पैनोरामिक सनरूफ। इसमें तो बहुत पहले से आता है पैनोरामिक। नाइस। ये SOS वाला क्या सिंबल है? ये SOS वाली कॉल पुलिस को जाएगी, आपके सर्विस सेंटर पे जाएगी, सर्विस सेंटर के पास भी जाएगी और पुलिस को भी जाएगी। ये कौन सा साइन है सर? ये लाइक आपकी गाड़ी कहीं पे वो हो गई है, टो हो गई है, तो उसके लिए है। ओके, एंड दिस वन इज ब्लूटूथ, ब्लू लिंक है सर, ब्लू लिंक। अच्छा, ऐप है जो आपका? हां जी सर। ड्राइव ट्रैक्शन मोड्स में देख लो, इको नॉर्मल है सर, इको नॉर्मल और स्पोर्ट तीन मोड है, और सेटअप इसे ग्लव बॉक्स कूल्ड है। हाँ जी सर। कहाँ से कंट्रोल होता है? एस ऑप्शनल से मिल जाएगा। कहाँ पे होता है कंट्रोल इसका? उधर से ही आ रहा है। डुअल जोन नहीं है ना इसमें? है नहीं सर, डुअल जोन एसी जो डुअल जोन आता है, मतलब इधर गरम चल सकती है इधर ठंडी। हाँ जी सर, है ये दोनों साइड है ना इनके? अच्छा, टेम्प दोनों साइड है, दोनों साइड। ओके, तो डुअल जोन है, फ्रंट हो गया सर। फीचर्स तो अच्छे देते हैं, टाटा से तो फीचर्स अच्छे हैं। सिंक क्या है? सिंक का सर एक्चुअली मुझे पता नहीं, सिंक का क्या है? नहीं ठीक है, नेव वो तो उसका होगा। अच्छा, ये दोनों है, टच भी है तुम्हारा, बटन्स भी है। मैप ट्रैक इज, अच्छा वो वाला ट्रैक ठीक है, सी ओके। तो डिस्प्ले तो अच्छा है यार इसका, लेकिन कनेक्टेड है ना? और ये कौन से मॉडल से आ रहा है कनेक्टेड वाला? SX टैग से मिल जाएगा सर, ये आप SX में भी मिल जाएगा। मैनुअल अगर देख रहे हैं तो SX में भी मिल जाएगा आपको, ऑटोमेटिक में मैन्युअली देखना है, ऑटोमेटिक तो नहीं लेना है। ये पार्किंग वाला कैच, ये SX ओनली मैनुअल में है। कौन सा सर? यहाँ पे एक P का साइन बना हुआ है, पार्किंग सेंसर से क्या ये? यहाँ पे ये नहीं पता आपको भी? कोई नहीं, YouTube देख लेंगे, मैं जब कुछ चीजें पता ही नहीं है आपको, YouTube पे देख लेंगे, चला के देखो कैसे चल रही है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेंगे। ये हो गया, ये क्या है, ये क्या है मैम, ये दोनों बटन का क्या यूज है, आइडिया है आपको? लेन असिस्ट है वो सब। हाँ ये लेन है। अच्छा, इसमें ऑटो वो स्टीयरिंग भी अपने आप पार्किंग वाली मतलब इसमें एडास का लेवल क्या है? एडास लेवल 2 है सर। 2 है मतलब सिर्फ लेन असिस्ट होगा ना इसमें, खुद से स्टीयरिंग मैनुअल तो नहीं चलेगा, ब्रेक ये सब वाला होगा। ओके, बट इनका बंटी ये अच्छा है, इनका इनके बटन देखो
ये मतलब कूल्ड वाले हैं, प्ले वाली बटन इनकी अच्छी है टेम्परेचर में। यार ये तो टूट ना जाए, बच्चा कैसे कर दे। स्टडी नहीं है? नहीं, जून। और एम्बिएंट लाइट वाइट है इसमें? होगी, उसमें तो पहले वाली में तो आती थी एम्बिएंट लाइट। होगी होगी, एम्बिएंट लाइट होनी तो चाहिए वैसे, क्योंकि इससे पहले वाले क्रेटा में जो थी दोस्त के पास उसमें थी, लेकिन उसकी पूरी टॉप थी। कितना इसका प्राइस बताई थी आप, एक बार चेक करेंगे? 21 कुछ था ना, 47 2147। कौन सा मॉडल है? SXO SX ऑप्शनल। इसके ऊपर डीजल आता है खाली ना। वेंटिलेटेड सीट्स तो चालू ही हैं, अभी काम नहीं करेंगे प्लास्टिक। वेंटिलेटेड सीट पीछे है? नहीं, आगे होती है। सफारी इन सब में आता है बस, कैप्टन सीट्स पे। इसको एक बार चलाते हैं फिर देखते हैं क्या है। मैं सीट बेल्ट लगा लीजिए प्लीज। ये लीवर पकड़ के इसको करना है ना। बैक न्यूट्रल हो गए। अच्छा 360 कैमरा भी है इसमें? हाँ, ये अच्छा है। इसमें हम बदल सकते हैं, मतलब एंगल बदल सकते हैं? अच्छा ये रहा। ओके, पास वाली गाड़ी कुछ और ही है। ये क्या है? एस प्लस, ये एस क्या है? स्लाइडिंग मोड है, जैसे हम उस पर चल रहे ना, क्रूज पे। अब ये पहाड़ों के लिए, जैसे मैनुअल बनाने के लिए, इसलिए उससे भी अच्छा पैडल शिफ्टर से। ये ऐसे हो जाता है। ओके, सस्पेंशन इसकी कुछ हार्ड की है क्या इस बार? ये स्पीकर है इसका? खाली रहता है, वो टॉप मॉडल में स्पीकर होता है बस। क्या है मैम इसकी वारंटी क्या है? कितने सालों की वारंटी है? OEM कितने साल की? सर 3+1 आती है, मतलब 2+1 आती है। 3 इयर्स आपकी थर्ड पार्टी रहती है और 1 ईयर आपका 2+1 आता है आपका। मैं इंश्योरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वारंटी पूछ रहा हूँ। गाड़ी के जैसे इंजन इन सब पे होती है, 1 ईयर की रहती है। स्कोडा में कितनी है तुम्हारी? 5 साल है ना उसमें तो? 3 साल। 3 साल, मतलब 2 साल की कार आई है मैंने। अच्छा, टाटा वाले भी 1,00,000 किलोमीटर दिया था भैया को। हाँ तो 1,00,000 किलोमीटर 3 इयर्स तो है ही सर इसमें। हाँ तो वही तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा था। और बढ़ानी उससे सर्विस पैकेज क्या है? 7 इयर्स तक आप एक्सटेंडेड कर सकते हो। नो, अच्छा इसी सर्विस कितने में हो अभी? तो खैर पुरानी वाली क्रेटा की कितने में हो जा रही है नॉर्मल सर्विस? तो सर्विस पैकेज देते हो आप लोग? सर्विस पैकेज सर वैसे तो नहीं देते, लेकिन वो मुझे पता करना पड़ेगा, उसके आइडिया नहीं है मुझे। PDF वाला खोलिए, देखिए उसमें दिखा रहा है SMP करके, मेंटेनेंस पे क्या सर्विस मेंटेनेंस पे देती हैं सारी कंपनियां। ओके नाइस, तो इसने बोला एडास ने काम करा। क्या बोलो? चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड। आंटी जी के सामने ले जाओ, देखो आंटी को बैठा मत लेना। एडास अभी बंद है इसमें, चालू करवाइए। लेन असिस्ट तो चालू है मेरे हिसाब से इसका। तो वो वाला एडास क्यों बंद कर रखा? खोलिए जरा, देखें तो क्या बताता है सामने, देखना। यही तो आपका एक फीचर है जो इस बार थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। कैसे चालू होगा भैया? चालू है इसका एडास, ऑन है इसका। बगल से कोई पास ले रही है तो लाइट जल रहा है, देखो ना चालू है। देखो विंडो रियर व्यू में। वैसे जनरली मैं बताऊं तो इसमें की स्टीयरिंग भी बनी हुई है, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसका लेन असिस्ट ऑन है। वो बटन दबाए थे ना तुम जो उस पे, एक बार दबाना स्टीयरिंग्स पे।
ट्रैक्शन ऑफ स्टीयरिंग पे जो बटन था दबा तो दिया, दुनिया भर का बटन। राइट साइड वाले रोड से ही लेफ्ट में बट कोई बच्चा तो है नहीं, मतलब फॉल्स वार्निंग भी देगा कभी ना कभी। अच्छा बगल से निकल भी रही है तो ऑन हो जा रहा है कैमरा, ये थोड़ा अच्छा फीचर है। क्यों कंजेस्टेड एरियाज में काम देगा। राइट साइड वाला रोड से उधर ही ले लो। नहीं आप लोग इधर ही से आए होंगे, क्रॉसिंग से आए? नहीं इधर से आए थे, रेलवे स्टेशन। पिकअप कैसा है? अभी तक कुछ ही कर रहा है, शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी। इसमें दिखा कहाँ रहा है, किस गियर में है? वो तो ऑटोमेटिक ही करता होगा ना। अरे उसमें भी तो गियर दिखाता है। इसमें टर्बो नहीं है ना आप कह रहे थे? ये टर्बो वाली नहीं है सर, टर्बो ओनली डीसीटी में है। ओके। आवाज तो आ रही है पेट्रोल इंजन के हिसाब से, डीजल जैसे, जबकि टर्बो नहीं है इसमें। सिटी ओटी के लिए टर्बो इतना जरूरत भी नहीं होता है। यहाँ पे कहीं स्पोर्ट पे चला पाओगे? सिटी पे चला के इतना ही चला, सिटी पे चला ना, इको पे चलाते ना। अच्छा इसमें इको ना नॉर्मल और वो है, इसकी सर्विस मैम कितने पे होगी? 15,000 पे या 10,000 रुपए? आपको पता है? हमको इतना नहीं रहता, हमें गाड़ी लाने होते हैं बस। अरे 10,000 ही होगा नहीं, जैसे अभी हम लोग सफारी देखे उसका 15 था ना। तो इसका मिनिमम 10 ही होगा, सबसे कम तो 10 ही होता है। इसका इंजन में 1.5 है ना? हाँ 1.5। लेफ्ट लेना है, लेकिन थोड़ा सा हैरान हूँ मैं कि आपको पता नहीं है बहुत सारी डिटेल्स। ये क्या ऑटो है, इसमें बंद हो जाती है? हाँ। ऑटो वाला और होगा, सर्विस जो होगी 10,000 किलोमीटर पे रहेगी सर, 21,000 की रहेगी। 21,000 की पहले सर्विस? यस सर। नहीं कुछ गलत बता रहे, पहली तो नॉर्मली फ्री होती है ना, वो फ्री की जगह वो कर देते ना, पहले तो कुछ होता है ना। 21,000 में क्या बदल देंगे यार, 21,000 में तो कोई नहीं दे रहा। क्या लिखा है मैं एक बार देख सकता हूँ? हाँ सर आप देख सकते हैं, मैंने गूगल पे सर्च करा है, इसमें शो नहीं कर रहा था। 21,000 की सर्विस नहीं होगी, इतनी महंगी, बहुत महंगी। 21,000 थोड़ी आदमी लेगा दहेज में देने के लिए, दामाद जी तो बिक जाएंगे। दामाद जी कहेंगे इससे अच्छा हम साइकिल ही दे देते हैं। गूगल पे लिखा होगा ऐसा, मैं नहीं ले रहा हूँ दहेज में देने के लिए, मैं पहले ही बता दूँ। बट 21,000 की सर्विस तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, खड़े ही रखूँगा इसको। 10 उस पे हो जाएगी यार नॉर्मल सर्विस। देखना ले साथ है भाई, तू ही ले जा ले जा, पापा जी के साथ है ना, पापा जी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अनु सर मैं ये पूछ रही थी कि क्रेटा की फर्स्ट सर्विस का प्राइस क्या रहता है? नॉर्मल सर्विस का प्राइस, नॉर्मल सर्विस का 10,000 की, ठीक है। और सर्विस कितने पे होती है, 10,000 पे या 15 पे? 10,000 किलोमीटर कितने प्राइस क्या है? मेरी बात करें
हेलो सर, क्या हाल है आपके? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका सर्विस जो होती है हर 10,000 पे होती है या 15,000 पे? और क्या नॉर्मल ऑन एन एवरेज कॉस्ट जाता है? 100% पेड मतलब? अच्छा, ओके ओके। तो पहली दो सर्विस आप ये कह रहे हो कि उसमें लेबर फ्री रहेगा ना? ओके, कितना बताया आपने तीसरे साल से कितना लग सकता है? 10,000। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। और वारंटी इसमें 3 साल होगी ना, स्टैंडर्ड 3 साल? ठीक है ठीक। इसका कोई SMP पैकेज है, मेंटेनेंस पैकेज? हाँ हाँ, मतलब क्या कॉस्ट करता है? हाँ मतलब 1 साल 1 किलो 1.5 लाख किलोमीटर। अच्छा ठीक है, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। 10,000 की सर्विस है। प्राइस या किलोमीटर? प्राइस प्राइस, और वैसे भी 10,000 पे होगी। अच्छा। और जो पहली दो सर्विस होगी उस पे लेबर कॉस्ट हटा रहेगा। हाँ, वो सब जो चेंज ऑयल तो 10,000 जो ये बता रहे हैं वो तीसरे साल की सर्विस बता रहे हैं। हाँ, इतनी तो महंगी है वैसे। यूएसबी बहुत यार, इसमें यूएसबी देने का क्या मतलब है? पीछे टाइप सी दिया है दोनों। हाँ, ये में इसमें पावर वो भी होगा ना, वायरलेस चार्जिंग? ये वायरलेस चार्जिंग के साथ। बट यार इसका ना सीट विट उस तरीके की मुझे सफारी जैसी कंफर्टेबल नहीं लग रही। सफारी की अच्छी कंफर्टेबल थी यार। खैर, वो 10 लाख रुपए महंगी भी थी बनके, बट स्टीयरिंग रिस्पांस इसका अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक है या नॉर्मल है? नहीं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, बट पिछली वाली से अच्छा है, काफी अच्छा है। तो बहुत सॉफ्ट यार। वेटिंग कितना चल रहा है इस पे? क्रेटा पे तो मैडम को पता है, मैडम कितना वेटिंग चल रहा है? वेरिएंट के अकॉर्डिंग पे। इस पे कितना वेटिंग है? SX ऑप्शनल IVT पे ऑटोमेटिक पे ना सर? हां जी। इस पे 6-7 महीने की वेटिंग। 6-7 महीने? और वो 6-7 ही, मुझे लग रहा है आप बोल रहे हैं, 1 साल तो हो ही जाएगा इसमें। नहीं, 6-7 महीने से ज्यादा नहीं होगा। 1 साल की वेटिंग है। कितने इसकी बुकिंग कॉस्ट कितनी है? 25,000। और अगर कैंसिल कराए तो 100% रिफंडेबल है। ओके, कंफर्टेबल उतना नहीं है जितना वो मतलब इसकी सीट कुशनी नहीं है यार। ओके, एडाप्टिव भी है इसका बैक वाला। इसका इसकी जो डिग्गी है अपने आप वो ऑटो वाली है? नहीं सर, ऑटो वाली नहीं है, मैनुअल है। ओवरऑल सही है यार ये तो। बस इसमें मुझे मेरे हिसाब से ये रिफाइनमेंट आगे और अंदर ही है ना इसमें। और ये बटन अच्छे हैं, ये आपका है वेंटिलेटेड सीट्स की बटन, ऑटो होल्ड। ये क्या मैम, ये क्या चीज़ है? ये ऐसे ही है? नहीं सर, एक्चुअली आपको कोई फोटो वोटो हो। अच्छा ओके, मैग्नेट है ये एक तरह से। ओके, पार्किंग मैग्नेट है? हाँ जी सर। हाँ, कुछ तो फील हो रहा है। नहीं होगा सर। नहीं, थोड़ा सा वो कर रहा है, दिखा रहा है। इसकी ग्रिल विल नहीं है, ये ऐसी है इसकी ग्रिल। एयर बैग कितने है इसमें? अच्छी लग रही है यार वैसे तो, चेंज कर दिया, अच्छा किया है। ये है बूट स्पेस इसका, टायर 16 दिया टायर नहीं, जो होती है वो मैं सोची इसके बारे में।
तो भाई ये था हमारा क्रेटा की टेस्ट ड्राइव, और जैसा आपने देखा कि मैम जो हमें टेस्ट ड्राइव कराने आई थी उन्हें 0% पता था गाड़ी के बारे में, वो कारदेखो.com खोल खोल के इन्फॉर्मेशन हमें दे रही थी, बल्कि हमें ही उन्हें सही करना पड़ा। फिर उन्होंने हमारी अपने सीनियर से बात कराई, तब जाके क्लियर हुई। ऊपर से मैडम लोग आने को रेडी नहीं थे, मैंने इनको बोला था कि मुझे घर पे टेस्ट ड्राइव चाहिए, बार बार देवर पुशिंग में कि आप शोरूम आ जाइए, शोरूम आ जाइए। फिर मैंने उनको कहा कि मैं मेल करूंगा आपके खिलाफ, अगर आपने पहले मुझे हाँ बोल के ना करा आप तो वो आई थी, बट जीरो नॉलेज के साथ, जीरो प्रिपरेशन के साथ, कोई प्रिंटेड पेज नहीं था उनके पास, सिर्फ एक PDF भेज दिया था। बाकी क्रेटा इज अ गुड व्हीकल, सीट्स थोड़ी अच्छी नहीं है, और जो हैंडलिंग है और जो स्टेरिंग है मुझे लगता है उसमें हुंडई वालों ने काम करा है। पहली वाली क्रेटा की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ये वाली नॉर्मल थी, तो ओवरऑल इट्स अ नाइस कार, एंड अगर आप लेने का मन बना रहे हो तो गो फॉर इट।